शाजापुर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 18 लाख रुपए की लूट की घटना का 24 घंटे में पर्दाफाश किया। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, फरियादी ही आरोपी निकले हैं। लूटे गए 18 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि रिजावन पिता अब्दुल निवासी इंदौर एवं उनके साथी हरपाल सिंह निवासी इंदौर दोनों आज सुबह इंदौर से ब्यावरा गए थे। वहां से सलूजा सरकार से 18 लाख का पेमेंट प्राप्त किया था और वहां से करीब 1 बजे वापस इंदौर के लिए राज्यपाल की ब्रेजा गाड़ी में सवार होकर लौटेंगे। जब करीब 3:45 पर शाम को शाजापुर के उतावड़ ढाबे से थोड़ा आगे पहुंचे तो राजपाल सिंह कार रोककर टॉयलेट गया। इसी बीच कुछ बदमाश सारंगपुर की तरफ से एक काले रंग की स्कॉर्पियो में आए और उनके आगे रुके, जिसमें से 2 व्यक्ति उतर कर आए और रिजवान की कनपट्टी पर गन अड़ा दी और बोले झोला दो। एक बदमाश ने 18 लाख का झोला निकाल लिया और दूसरे बदमाश ने कार की चाबी निकाल कर साइड में फेंक दी और पैसे लूट कर फरार हो गया। इसकी सूचना पर पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर एवं लाल घाटे के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और धारा 392 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जाँच शुरू कर दी। जब फरियादी से पुलिस ने धमकाते हुए पूछा तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया एवं लूट की संपूर्ण राशि पुलिस को दे दी। शाजापुर पुलिस के द्वारा सूचना के 24 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज घटना को पूर्ण खुलासा किया गया। घटना के खुलासे में उल्लेखनीय है, भूमि अजीत तिवारी उप निरीक्षक, मनीष दुबे थाना लाल घाटी, सौरभ शर्मा कपिल नागर जसवंत जाटव की रही। इस सफलता के लिए पुलिस अध्यक्ष शाजापुर पंकज श्रीवास्तव के द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई है। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। यह हेमंत नाम का, उसके घर पर दबिश थी और पूरी की पूरी राशि, क्योंकि बहुत जल्दी तत्परता से काम हुआ था, तो पूरी 18 लाख रुपए की राशि बरामद हो गई और इन तीनों लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। आए थे रिजवान और इसके साथ था राजपाल, दोनों ने थाने पर आकर रिपोर्ट किया कि ये लोग ब्यावरा से 18 लाख रुपये लेके आ रहे थे, तो बाईपास पर एक स्कॉर्पियो ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया। उसके बाद बल्कि गाड़ी को ओवरटेक नहीं किया, शुरू में इन्होंने बताया यह था कि ये गाड़ी खुद रोकी इन्होंने और बाथरूम करने के लिए ये उतरे। तब तक पीछे से एक गाड़ी आई स्कॉर्पियो, उसके अंदर से 2 लोग उतरे और इनके हथियार दिखाए, कनपट्टी पर इनके बंदूक लगा दी। बंदूक लगा के इनसे पैसे के बैग के बारे में पूछा और फिर उसके बाद इन्होंने नहीं बताया तो खुद ही गाड़ी के अंदर से पैसे का बैग निकाल लिया और इनकी कार की चाबी निकाल ली। उसके बाद वो चाबी नीचे फेंक के और मुक्ति की तरफ चले गए जो स्कॉर्पियो में लोग। इसके बाद इन्होंने गाड़ी का पीछा करने